ओके, आप पूजा करते हो ना? वेलकम टू गॉड्स ओन कंट्री केरला। थैंक यू। ये इतनी ब्यूटीफुल और ग्रीन जगह है कि जहाँ देखो आपको पूरी हरियाली हरियाली, पूरे हरे भरे खेत, नारियल के फार्म्स, बहुत सुंदर रहता है देखने में। और कहते हैं केरला को गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं। गॉड्स ओन कंट्री यानी जो भगवान या ऊपर वाले ने खुद अपने हाथों से बनाया है। उसके पीछे एक स्टोरी है कि जब परशुराम ने सारे क्षत्रियों का वध वगैरह करके वो बिल्कुल एकदम अपने कहीं जाके शांति से बैठ के एक तपस्या करना चाहते थे, तो पूरी धरती में घूमे, उन्हें कोई ऐसी जगह नहीं मिली, तो साउथ साइड में आए और यहाँ पे समुद्र भगवान से उन्होंने निवेदन किया कि आप हमारे लिए थोड़ी सी जगह दीजिए ताकि हम कोई एकांत जगह में बैठ के हम अपनी तपस्या करें। तो समुद्र भगवान ने कुछ ध्यान नहीं दिया, तो इनको तो बस गुस्सा तो पता नहीं कहाँ से आता है। इन्होंने अपना फरसा निकाला और दे मारा समुद्र पे। अच्छा। तो आप देखोगे केरला जो है कि उतनी जगह से पानी निकल गया था, तो वो फरसे के जैसा होगा, एक लंबा सा एक स्ट्रिप होगा केरला। आप देख, आप जरा चेक करना उसको। ओके। तो वहां से वो निकल गया और फिर परशुराम ने समुद्र निकल गया, तो परशुराम ने फिर यहाँ पे अपना जगह बनाया और यहाँ से उन्होंने एक नए एक ब्राह्मण कुल की यहाँ पे उन्होंने शुरुआत, तो नंबूदरी कहते हैं बेसिकली। वही लोग हैं जो यहाँ पे सारे मंदिरों में, सारे इसमें जो पूजा वगैरह जो विधि करते हैं या करते थे कह सकते हैं। अभी तो जमाना बदल गया है, कलयुग आ गया है और यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, तो उस हिसाब से काफी चेंजेस यहाँ भी आ गए हैं। लेकिन यहाँ के जितने भी मंदिर हैं, जितने भी जो भी जो पुराने जमाने के जो हैं रीति रिवाज, जो पुराने जमाने से, उनके जमाने से जो चलती आ रही है वही आज भी चल रही है। और दूसरी बड़ी बात है कि जो आदि शंकराचार्य थे जिन्होंने सारे हिंदू जो अपनी रीति रिवाज का, जैसे एक एक मंदिर में पूजा की विधि क्या होनी, इधर कैसे बनना चाहिए, उसकी रचना क्या होनी चाहिए, उसकी उसमें जो प्रतिमा रखती है उसकी प्रतिष्ठा कैसे करनी चाहिए, इन सब की जो उन्होंने डिटेल में एक लिखी हुई है या बताई है, वो भी यहाँ केरला से आए हैं आदि शंकराचार्य। और सो इन दोनों ने मिलके ही यहाँ का सारा कुछ स्थापना किया है, इसीलिए इस कंट्री को गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं। गॉड्स ओन कंट्री केरला। ये बात बिल्कुल, यहाँ तो हरियाली आप देखो कि मैं तो चकित हो गया यहाँ आके। सही बता रहा हूँ आपकी। और यहाँ का मतलब, यहाँ पे खाली जगह तो दिखती नहीं है मेरे को कहीं पर भी। हाँ, इंडिया की सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जो स्टेट है वो केरला है। यहाँ पे खाली जगह है ही नहीं। अब बिल्कुल भी नहीं लगी मेरे को तो, कहीं दिखी नहीं खाली जगह यहाँ पे, कहीं पे भी नहीं है। जहाँ भी नजर करो आप, पेड़ पौधे लोग हैं बस यहाँ पर भी। लेकिन आप तमिलनाडु में जाओगे तो वहाँ पे नजारा अलग हुआ। अच्छा, तमिलनाडु में अलग है कुछ। हाँ, यहाँ से हम अभी 50 किलोमीटर जाएंगे पोल्लाची, जहाँ पे हमारा फार्म है। ओके। वहाँ पे थोड़ा सा सीन थोड़ा अलग है, इससे थोड़ा अलग मौसम भी थोड़ा अलग होगा। अच्छा, यहाँ के वेदर में वहाँ के वेदर में थोड़ा फर्क है। हाँ, यहाँ क्या होता है जैसे बहुत ही बारिश ज्यादा होती है यहाँ केरला में। और यहाँ पे नमी बहुत होती है, इसीलिए हमें प्रॉब्लम घोड़ों को भी केरला में अच्छे खासे जो ब्लड लाइन वाले और जो हम लोग अभी शो एनिमल्स जो हम रखते हैं उनको यहाँ रखने में और उनको सही तरीके से डेवलप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है केरला में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए हमने अभी जो फार्म जो है पोल्लाची में बनाया है, वहाँ पे ऐसी नमी नहीं होती है और इतना बारिश नहीं होता है,
वहाँ पे थोड़ी सी हवा अच्छी चलती रहती है हमेशा, और काफी खुले खुले ओपन ग्राउंड आपको नजर आएंगे ऐसे एकदम, यानी इतना पॉपुलेशन या इतना ज्यादा ये सब नजर नहीं आएगा, वो थोड़ा फ्लैट एरिया नहीं है इतना। हाँ, वहाँ पे खेती बाड़ी का सब कुछ, यानी दुनिया भर की जो खेती आपके नॉर्थ इंडिया में भी होती है ना, वो सब की भी खेती यहाँ पे होती है। जैसे मूंगफली हो गया, चना हो गया, जैसे आप बोल लो जो भी चीज है, ज्वार हो गया, यू नो सब कुछ उसकी खेती यहाँ पे पोलाजी के पास, और वहाँ से एक 400-500 किलोमीटर के एरिया में ये सारी चीजें होती है। और वहाँ पे काफी सारे लोग घोड़ों को और वो गाय और बैल जो रखते हैं, यहाँ पे जल्लीकट नाम की एक चीज आपने सुनी होगी? बिल्कुल बिल्कुल सुनी है मैंने। तो जल्लीकट जो है वो इस एरिया में ज्यादा चलता है। अच्छा। तो वहाँ पे जो सारे वो लोग ऐसे बैल रखते हैं, जो पुराने जो इंडिया के जो ओल्ड ब्रीड्स है ना, वो सारे ब्रीड, जैसे अभी हम लोग मारवाड़ी को वापस लेके आए हैं, तो इन्होंने भी अभी अपने अपने जो पुराने ब्रीड्स जो हैं वापस लेके आने शुरू कर दिए, उसके साथ कॉम्पिटिशन्स, उसके साथ जो पुरानी जो रीति रिवाज जो चलती थी वो सब वापस आने लग गया है। अच्छा, वापस मतलब शुरुआत हो रही है उनकी वापस सबकी जो है, हमारे हमारे जो 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 पुरानी कल्चर है, हम अभी अंग्रेजों को धीरे धीरे भूलते भूलते वापस उसे हम जो पहले था। हाँ, अपने कल्चर में वापस धीरे धीरे, पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से तो हो ही रहा है। मारवाड़ी घोड़े भी तो वापस जो आए हैं अभी 15-16 साल के बीच में ही है जो इतने पॉपुलर हुए हैं, या लास्ट 10 साल में ही आप सोचो इतना ज्यादा हुआ है। वरना तो एक जमाने में हम लोग सब भूल ही चुके थे कि ऐसा कोई घोड़ा भी होता है या ऐसी कोई ब्रीड भी होती है। और मैं तो भी दुबई से आया हूँ, तो वहाँ पे यानी काफी सालों से रहता हूँ, तो मैं जितने भी लोकल लोगों को जानता हूँ, जो वहाँ के शेख लोग हैं जिनके स्टड फार्म्स है जहाँ मैं राइडिंग वगैरह के लिए जाता हूँ, सब मुझसे बोलते हैं कि उन्हें एक मारवाड़ी घोड़ा चाहिए। मतलब दुबई तक आपने शौक लगा दिया वहाँ पे भी। शौक देखो, जब ये इतना डिफरेंट है, क्योंकि दुनिया में जितने भी देशों में गया हूँ मैं, हर जगह राइडिंग करता हूँ, तो मैंने ऐसा कोई घोड़ा देखा नहीं है जो जिसके जो दो के मिलते हैं। ओके। और ऐसी जो फीचर्स जो है कोई भी घोड़े में मैंने आज तक नहीं देखी है। दुनिया का सबसे एक निराला ब्रीड हो गया ना ये। बिल्कुल, मारवाड़ी। हाँ, मारवाड़ी, जो सिर्फ हमारे मारवाड़ी और काठियावाड़ी दोनों ही, तो ये तो सिर्फ हमारे पास है भाई। तो जो भी कोई चीज नया होता है, हर किसी को उसका शौक लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। दुनिया में कहीं पे भी, यू नो। तो और ऊपर से अभी आजकल तो जो शो के घोड़े जो लोग तैयार कर रहे हैं और उनके जो वीडियोस और ये सब जब हम दिखाते हैं उनको, अपने राजप्रिंस को ये देख के लोग इतने परेशान हो गए कि उनको किसी भी तरह इसको लाना है यहाँ पे या इसको खरीदना है करके बोलते रहते हैं वो लोग। तो मैंने बोला जब इंडिया का एक्सपोर्ट का जो रूल्स जब चेंज हो जाएगा तो हम भी कोशिश करेंगे लेके आने की कुछ घोड़ों। बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये देखिए, ये खेती खेतों को देखिए, यहाँ पे ये चावल के खेत है। यहाँ का तो चारों तरफ जहाँ भी नजर फैलाओ ग्रीन ग्रीन दिखेगा चारों तरफ। चलो, थैंक यू सर केरला के बारे में बताने के लिए। welcome, साथ में मारवाड़ी घोड़े भी आ गए अपने।